नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोटवाली ऑफिस में आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि दोस्तों, मैं समय समय पर आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के साथ में वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में दोस्तों आता रहता हूँ, और जो भी प्रश्न अगर आप मुझसे अगर पूछते हैं तो मैं उनका उत्तर अवश्य देता हूँ। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है दोस्तों, ये इसके ऊपर है कि बहुत सारे कपल्स ने मुझसे पूछा था कि सर, हम लोग दिल्ली कोर्ट मैरिज करने आना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम लोग रुकेंगे कहाँ। और दोस्तों, ये समस्या होनी भी चाहिए कि अगर आप इतने दूर अगर आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ ठहरने की व्यवस्था का प्रबंध पहले करना चाहिए। तो आज मैं आपको यही दोस्तों बताना चाहता हूँ कि देखिए, जैसा कि अधिकतर जो हमारे पास में जो कपल्स आते हैं शादी करने के लिए, वो लोग कोर्ट के पास ही अपना रूम, अपना होटल वगैरह लेना पसंद करते हैं। अब जैसा कि ये 30,000 कोर्ट है, तो 30,000 कोर्ट के पास में, जैसा कि करोलबाग पास में है, या पहाड़गंज पास में है, या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पास में है, तो ये तमाम जगहों पर दोस्तों जो होटल्स वगैरह जो बने हुए हैं, जो गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं, उसमें लोग रुकना पसंद करते हैं। इस वजह से क्योंकि एक तो कोर्ट के नज़दीक है, ठीक है, और वो बहुत कम समय में बहुत आसानी से वो कोर्ट में आ भी सकते हैं, अपनी मैरिज करके वो आसानी से बहुत जल्दी वो अपने होटल में अगर वापस जाना चाहे तो वहां पे जा भी सकते हैं। यानी कि उनको कोर्ट में आने में और जाने में बहुत कम वक्त लगेगा, इसीलिए अधिकतर लोग कोर्ट के पास ही अपना होटल, अपना रूम वगैरह लेना पसंद करते हैं। तो अब इसमें दूसरी चीज मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने घर से कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर निकल रहे हैं यहाँ दिल्ली में, दिल्ली अगर आने के लिए, तो दोस्तों आप या तो अपने घर से आप अपना रूम बुक करके, जैसे आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ के उनके जरिए आप अपना रूम, आप अपना होटल बुक कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी बुक कर पाते हैं तो दोस्तों, अगर हमसे जो भी अगर सहायता अगर आपको चाहिए, तो हमारी वो नैतिक जिम्मेदारी है, यदि आपको किसी भी प्रकार की अगर सहायता की अगर आवश्यकता अगर हमसे पड़ेगी, तो डेफिनेटली दोस्तों बिल्कुल आपकी पूरी तरीके से, आपकी हर संभव मदद हमारे द्वारा कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से करी जाएगी, ये मैं आप लोगों को दोस्तों विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो आप लोगों को किसी प्रकार की भी कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो अगर आप अगर पहले अगर होटल बुक करना चाहते हैं तो आप वहां कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आप अगर बुक करना चाहते हैं तो कोर्ट के पास में नजदीक में आप अपने जो बहुत सारे जो होटल्स बने हुए हैं उसमें आप अपना स्टे कर सकते हैं। और यदि आप कोर्ट मैरिज से संबंधित अगर आप कुछ अगर जानकारी अगर मुझसे आप लेना चाहते हैं, तो आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों कि कॉल करने से पहले आप समय जरूर देखिए, और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।